Greetings everyone, welcome to Commerce Classes. Today we'll be understanding accounting part of the sale of asset. Like in the last video, I explained you calculations. Jab bhi koi asset ki sale hogi, then at the time of sale, we are to record three things. ठीक है, तीन calculation हमने सीखी थी और उन तीनों की recording होगी. पहली चीज़ है selling price, which is net selling price. दूसरी चीज़ है bringing asset to book value. अब जब asset को आपको book value पे लेके आना है, तो calculation तो सारे depreciation की होगी, right from purchase to sale. लेकिन accounting हम किसकी करेंगे? करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन. क्यों? अकाउंट्स हमारे बनते आ रहे हैं. मान लो आपने एसेट खरीदी 1/1/2016 को, तो आपका एसेट अकाउंट तो 16, 17, 18 ये तो बनता जा रहा है ना. 16 में बनेगा, 17 में बनेगा, 18 में बनेगा. मान लो आप इसकी सेल कर रहे हो 2020 में, तो आपको तो 2020 का बैलेंस आएगा यहाँ पर. ठीक है, और इस ईयर में सिर्फ इसी का डेप्रिसिएशन लगेगा. जितने जो पिछले ईयर्स में इसे आपने यूज किया है, वो तो हर बार इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रहा होगा. सो एसेट को बुक वैल्यू तक लेके आते हैं, लेकिन इसमें जो एंट्री करनी होती है वो सिर्फ करेंट ईयर के डेप्रिसिएशन की है, बिकॉज पिछले डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं. ठीक है ना, वो पहले से आपने रिकॉर्ड किए हुए हैं और वो अब रिकॉर्डिंग करके बुक वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे ऑन द डेट ऑफ सेल. अब इन दोनों को कंपेयर करके हम सॉल्व कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, और इसकी भी रिकॉर्डिंग की जाती है. तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमें रिकॉर्ड करनी है. अब पहला हम मेथड क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ एसेट थ्रू एसेट अकाउंट. मतलब एसेट अकाउंट में ही सारी रिकॉर्डिंग होगी. नाउ कंसिडर योर एसेट अकाउंट. आई एम नॉट मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अभी नेक्स्ट स्लाइड नहीं कर रहे हैं. अभी आप अपना एसेट अकाउंट सोचो, तो एसेट अकाउंट में हर साल हमारी क्या एंट्री हो रही होती है. ठीक है, ये हमारा एसेट अकाउंट है. ओके, अब इसमें आप एंट्री क्या कर रहे होते हो. एसेट में हमारे दो तरह की वर्किंग होती है, एक होता है विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दूसरा होता है विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. तो जब आप विद प्रोविजन करते हो, तो आपके पास एक एसेट अकाउंट बनता है और एक आपके पास बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है ना, और विदाउट प्रोविजन में एसेट अकाउंट ही है, हर साल इसमें बैलेंस आ रहा होता है. इफ़ यू हैपन टू बाई एनी एसेट, वो भी यहाँ लिखते हो. एंड में आके, यहाँ मैं स्पेस छोड़ रही हूँ सेल के लिए, समझाने के लिए. एंड में आके आप क्या करते हो, आप एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो और अकाउंट को बैलेंस कर देते हो, यही होता है ना. अब इसका जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप डेप्रिसिएशन लिखते हो, एसेट अकाउंट में से डेप्रिसिएशन आया एंड में. ठीक है, और आपने इसको पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, यही कर रहे हो ना. अभी हम विदाउट प्रोविजन नहीं ले रहे, यही हो रहा होता है. अब अगर आपकी एसेट की सेल हो जाती है, तो ऑन द डेट ऑफ सेल, जो बिगनिंग में भी हो सकती है, एंड भी हो सकता है, एंड इट कैन बी इन द ईयर ऑल्सो, कोई भी डेट हो सकती है. आपका ईयर अप्रैल टू मार्च है, तो वो सेल आप जून में कर सकते हो, जुलाई में कर सकते हो, अगस्त, सितंबर, जो भी डेट दे रखी है. तो उस डेट को हमें, मतलब ये क्लोजिंग से पहले, हमें ये तीन चीज़ें रिकॉर्ड करनी है. पहली चीज़ है एसेट की सेल हो रही है. सो एसेट की सेल कैसे रिकॉर्ड होती है, सेल कर रहे हैं, पैसा आ रहा है. ठीक है ना, अब एसेट अकाउंट में हमारा जो इसका नेचर है, एसेट बढ़ती हैं तो वैल्यू प्लस आती है, एसेट कम होती हैं तो वैल्यू क्रेडिट में आती है. तो जब आपने एसेट की सेल कर दी, तो सेल करने से हमारी एसेट कम होंगी बिजनेस में या बढ़ेंगी, डेफिनेट है कम होंगी. सो सेलिंग प्राइस कहाँ आ जाता है, क्रेडिट साइड में, यहाँ सेल आएगी. ठीक है ना, किसकी, सोल्ड एसेट की. तो ये जो डेट ऑफ सेल को हम किसकी वर्किंग कर रहे हैं, उस एसेट की जो सेल हो गई. अब एसेट पर हमें बुक वैल्यू निकालनी है, तो इसका करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर द रेलेवेंट पीरियड, उसी एसेट पर जिसकी सेल हो गई. ठीक है, अब आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस. लॉसेस से हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होती हैं, तो अगर लॉस आ रहा है तो क्रेडिट साइड में, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट. ठीक है, और अगर ये लॉस की जगह प्रॉफिट हो,
तो वो यहाँ आ जाते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है ना। तो ये तीन एंट्रीज यहाँ सेल के टाइम पे पोस्ट होंगी। लाइकवाइज जब डेप्रिसिएशन की बारी आएगी तो ऑन द डेट ऑफ सेल हम फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। ये जो डेप्रिसिएशन हमने यहाँ लिखा है वो यहाँ भी डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी आएगा और टोटल अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से आप इसकी रिकॉर्डिंग करोगे ना। सो पूरे क्वेश्चन के बीच में जो आपने अकाउंट अब तक समझा हुआ है उसमें ये तीनों चीज़ें और डाल देनी है डेट ऑफ सेल पर। अब थोड़ा सा प्रॉफिट और लॉस पर और हम कंसिडर कर लेते हैं। देखो जब कोई एसेट हमारी बिक गई, सेल हो गई, तो वो हमारी बुक्स में से भी निकल जानी चाहिए। आपके पास मान लो तीन मशीन्स थी, तो ये एसेट अकाउंट में तीनों मशीन्स की वैल्यू आ रही है, ये तीनों का बैलेंस है। यू सेल ऑफ सेकेंड वन, ये तुमने बेच दी, तो अब आपकी एसेट कौन सी बची? फर्स्ट एंड थर्ड। तो जो डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा अब ये फर्स्ट एंड थर्ड का ही आएगा क्योंकि यही बच रही है। तो जो सेकंड मशीन आपके बिजनेस में से निकल गई है उसकी पूरी वैल्यू बुक्स में से भी निकल जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? इसकी बुक वैल्यू बिगनिंग की, सेकेंड एसेट की, ठीक है। दूसरी तरफ आपने सेलिंग प्राइस और इसका रेलेवेंट डेप्रिसिएशन कर दिया, तो डेप्रिसिएशन से बुक वैल्यू और कम हो जाएगी, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस अगर कम है, क्योंकि हमें ये पूरी वैल्यू मूव करनी है, इसे निकालना है बुक्स में से, इसका कुछ पार्ट इसलिए निकल गया क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, आपने यूज़ किया इसको। अब अगर आप इसको कम पे सेल करते हो तो मॉनिटरली मनी वाइज देखो तो हमारा जो एसेट का बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ बचेगा, इस पर्टिकुलर एसेट का, सबका नहीं, इस पर्टिकुलर एसेट का। मान लो वैल्यू है 8,000, सेल कर रहे हो 6,000 पे और इसका डेप्रिसिएशन है 500, तो 8,000 में से 500 तो इस साल का डेप्रिसिएशन कट गया, 7,500 वैल्यू बची, जिसमें से 6 पर सेल हो रही है तो 1,500 हो गया लॉस। दैट मीन्स हमने इस एसेट को बुक्स में से निकाल दिया, पूरा इसका अमाउंट बुक्स में से निकल गया। अब जो डेप्रिसिएशन और जो बैलेंस बचेगा वो थर्ड एसेट का और फर्स्ट का होगा। मान लो सेल 6 पे नहीं हो रही है, सेल हो रही है 9,000 पे, तो अब आप क्या कहोगे? ठीक है, 8,000 इसकी वैल्यू थी और 500 और डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो ये हो गई 7,500, बट सेल कर रहे हो ज़्यादा पे तो कितना एक्स्ट्रा वैल्यू बची? 8,000 अवेलेबल था डेबिट में, क्रेडिट में 9,500 हो गया, कुछ डेप्रिसिएशन की वजह से, कुछ सेल की वजह से, तो 1,500 का यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। सो याद रखो पूरी क्वेश्चन में जब सेल होगी ये तीन चीज़ें इसमें हमने खुद से रिकॉर्ड कर देनी है, ठीक है ना। तो ये हमें खुद ही रिकॉर्डिंग करनी है, ये तीन चीज़ें इसमें खुद से रिकॉर्ड हो जाएंगी। लॉस नहीं है तो प्रॉफिट आ जाएगा, और डेप्रिसिएशन में भी जो सेल के टाइम का डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट। अब इसको देखते हैं अकाउंट में। सो व्हेन वी आर हैविंग विदाउट प्रोविजन, इसके बिना अगर हम वर्किंग कर रहे हैं तो आपके एंट्रीज क्या क्या हो जाएंगी? सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे फॉर द पीरियड, वही तीन चीज़ें रिकॉर्ड करनी है ना। डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, उसके बाद सेल की रिकॉर्डिंग की बैंक अकाउंट टू फिक्स्ड एसेट, और उसके बाद लॉस की रिकॉर्डिंग, क्योंकि लॉस क्रेडिट साइड में आता है तो लॉस इज डेबिटेड, लॉस ऑन सेल डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, या फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट इन केस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ लॉस नहीं होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी विदाउट प्रोविजन एंट्री। अब एक और पॉइंट है यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला है। समटाइम्स स्टूडेंट प्रेफर टू राइट दिस लॉस इन P&L अकाउंट, कई बार इसे डायरेक्ट P&L में लिख देते हैं, बट आप कंसिडर करो आर वी मेकिंग P&L अकाउंट नाउ? हम P&L अकाउंट कब बनाते हैं? वी मेक इट एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड में बनता है ना, जिसमें हम सारे लॉसेस, सॉरी इनकम्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस सब उसमें डाल देते हैं। तो जिस डेट को ये सेल हो रही है, जब P&L अकाउंट बना ही नहीं रहे हैं, तो हम इसे P&L में लिखें क्यों? ठीक है, सो डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ राइटिंग इट इन P&L अकाउंट। सो विदाउट प्रोविजन अभी एक्सप्लेन नहीं हो रहा, अभी हम सिर्फ सॉरी विद प्रोविजन वाला हटा रहे हैं। तो अब इसका अकाउंट देखो। सो जब हमारा एसेट अकाउंट विदाउट प्रोविजन है तो ये तो ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं, है ना। अब सेल के टाइम पर ये तीन चीज़ें हमें एडिशनली एंटर कर लेनी है।
अगर लॉस की जगह प्रॉफिट है तो वो यहाँ एंटर हो जाता है डेबिट साइड में, यही तरीका है ना। इसके अलावा डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा, अब डेप्रिसिएशन आपका सिर्फ एंड में नहीं आएगा, ड्यूरिंग द ईयर ऑल्सो ऑन द डेट ऑफ सेल, जिस डेट को सेल किया है तब भी डेप्रिसिएशन आएगा और टोटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर द अकाउंट्स। ओके, अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ। अगर हम कर रहे हैं अकाउंटिंग विद प्रोविजन, विद प्रोविजन का मतलब है कि वी आर प्रिपेयरिंग सेपरेट प्रोविजन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन हमारे प्रोविजन में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इसका मतलब जो यहाँ पर बैलेंस है ये तो कॉस्ट प्राइस दिखा रहा है, ठीक है, और आपके पास प्रोविजन में भी बैलेंस है जो दिखा रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन हो सकता है दो मशीन्स के हैं, ठीक है ना, अब इसमें से एक की सेल हो गई, एक बच गई, तो एक चीज़ याद रखो, जब भी बैलेंस होगा तो जो बच गई एसेट उसका बैलेंस आएगा। हमें सिर्फ ये करना है कि जिस एसेट की सेल हो रही है उसको बिजनेस में से निकालना है, तो उसकी मॉनेटरली बुक्स में से भी उसकी वैल्यू निकलनी चाहिए। मान लो फर्स्ट एसेट की सेल हो रही है तो इसकी कॉस्ट और इसकी डेप्रिसिएशन ये दोनों बुक्स में से निकल जाने चाहिए, क्योंकि अब एसेट भी हमारे बिजनेस से आउट हो चुकी है, ठीक है। अब सेल की रिकॉर्डिंग में क्या आएगा, देखो यहाँ पर सेल कर रहे हो तो सेल रिकॉर्ड हो जाएगी बैंक अकाउंट ऑन द डेट ऑफ सेल, ठीक है, डेट ऑफ सेल को ये एंट्रीज हो रही हैं, सेलिंग प्राइस आ गया। अब एसेट को आपको बुक वैल्यू तक लेके आना है डेप्रिसिएशन चार्ज करके। अब जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कहाँ करेंगे, एसेट में तो करते नहीं थे आप, तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन में लिखते थे, दैट मींस अब हमें डेप्रिसिएशन जो है ये प्रोविजन में लिखना होगा, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, तो उसकी एंट्री जो है वो प्रोविजन के थ्रू होगी, लेकिन हमें एसेट तो बुक वैल्यू पे लेके आनी है ना। अब एसेट बुक वैल्यू पर कैसे आएगी, इट मींस इस एसेट का जितना भी डेप्रिसिएशन है अब इसे यहाँ इस बुक में से निकाल के इसे फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, टोटल एसेट्स डेप्रिसिएशन, इस एसेट का टोटल डेप्रिसिएशन जितना पहले से इकट्ठा किया हुआ है और जितना इस बार हमने चार्ज किया, सिर्फ सेल वाली एसेट का, बाकियों को नहीं छेड़ना, क्यों, क्योंकि वो तो हमारे पास रहे हैं ना, रही हैं। एसेट को बुक वैल्यू पर लाने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, तो अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन तो हमने चार्ज कर दिया प्रोविजन अकाउंट में, पर इसे बुक वैल्यू पे कैसे लाएं, बुक वैल्यू पे तो तभी आएगी एसेट जब डेप्रिसिएशन एसेट में आएगा। सो यहाँ से हमने ये दोनों डेप्रिसिएशन उड़ा दिए और ये टोटल करके इसको यहाँ चार्ज कर दिया। सो ऑटोमेटिकली फर्स्ट मशीन के लिए क्या हो गया, उसकी कॉस्ट प्राइस में से उसका डेप्रिसिएशन दूसरी तरफ आ गया, तो ये बुक वैल्यू पे आ गई है, तो अब बाकी लॉस ऑन सेल की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। सो जो डिफरेंस है वो लॉस ऑन सेल आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो दूसरी साइड रिकॉर्ड होगा। अब आप बैलेंस करोगे तो बैलेंस में क्या आएगा, M1 जा चुकी है तो M2 का बैलेंस आएगा। यहाँ भी आप एंड में क्या करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ठीक है, एंड में अब डेप्रिसिएशन किसका चार्ज करोगे, जो एसेट्स बच गई उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। अब बैलेंस लिखोगे, बैलेंस में भी क्या होगा, फर्स्ट मशीन का बैलेंस आपका ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है, फर्स्ट मशीन आप आउट कर चुके हो तो ये इसकी सारी वैल्यूज आउट है, ये सब निकल गया है, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या है, वॉट वी आर लेफ्ट विद इज सेकेंड मशीन, इसका डेप्रिसिएशन जो बैलेंस है, इसका जो डेप्रिसिएशन अब चार्ज किया ये टोटल करके बैलेंस आ जाएगा, तो ये वेरीफाइड फिगर्स होते हैं। यहाँ पर कॉस्ट भी बचेगी तो सेकेंड मशीन की, फर्स्ट मशीन आउट हो चुकी है ये भी गया, और यहाँ से इसकी टोटल वैल्यू आपने आउट कर दी। नाउ इफ यू हैपन टू बाय एनी फर्दर एसेट, अगर आप कोई और एसेट खरीदते हो, ठीक है, अब अगर आपने कोई और एसेट खरीद ली तो उसकी एंट्री करोगे थर्ड मशीन, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज करोगे, सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल गो एज प्लान, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, सिर्फ इस एसेट को ध्यान रखना है कि तीन चीज़ें रिकॉर्ड कर लो, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर ओनली थ्री थिंग्स, सेलिंग प्राइस,
एसेट का डेप्रिसिएशन चार्ज करो और प्रॉफिट और लॉस लिखो। अब फर्स्ट मेथड में क्या था, डेप्रिसिएशन हम इस एसेट अकाउंट में ही लिखते आ रहे थे, तो सिर्फ सेल वाले ईयर का डेप्रिसिएशन लिख दिया, बात बन गई, है ना भाई, सारी डेप्रिसिएशन आ गए। प्रोविजन मेथड में क्या है, हम डेप्रिसिएशन एसेट में लिखते ही नहीं है, वो तो हम अलग दिखा रहे हैं, तो एसेट कैसे दिखेगी कि ये तो पुरानी एसेट है, वो तो दिख रही है ना, कॉस्ट पे दिख रही है नहीं ना। तो यहाँ पर हमें एक एडिशनल पॉइंट क्या करना होगा, इसका डेप्रिसिएशन यहाँ से उठा के यहाँ हमें चार्ज करना होगा। सो लेट अस सी दी एंट्रीज। सो ये वाला पार्ट हम देख चुके हैं। अब इसमें अगर प्रोविजन है तो चेंज क्या नोट करोगे, जो डेप्रिसिएशन होता है वो फिक्स्ड एसेट में नहीं जाता, प्रोविजन में जाता है, ठीक है ना। तो हमारी जो यहाँ एंट्री होगी वो प्रोविजन से होगी और फिर प्रोविजन से डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि हमें एसेट को राइट ऑफ तो करना है। सो पहले प्रोविजन में लिखो, फिर सारा डेप्रिसिएशन उठाओ उसका, और सारा डेप्रिसिएशन उठा के एसेट में डाल दो। तो क्या हुआ, पहले हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया करेंट ईयर के लिए, ठीक है ना, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करके बुक वैल्यू पे ले आए। फिर अब आप इस प्रोविजन को, जो इसका डेप्रिसिएशन है, उसे आप लेके आ जाओ एसेट अकाउंट में, इससे एसेट बुक वैल्यू पे आ जाएगी। नाउ यू रिकॉर्ड द सेल एंड प्रॉफिट और लॉस, बाकी चीज़ें तो आपकी एज इट इज़ हैं, ये प्रॉफिट की है, लॉस और प्रॉफिट, ठीक है। सो बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं, बस यहाँ पर ये आपको चेंज करना है। सो आई होप दिस इज़ अ क्लियर, ठीक है, दोनों वर्किंग्स आपको क्लियर होनी चाहिए। सो अब अकाउंट्स में क्या है, ये अकाउंट तो हम सीख चुके हैं, अब आ जाते हैं विद प्रोविजन में। अब विद प्रोविजन में आपके पास पहले से कुछ अकाउंटिंग है, ठीक है ना, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू नो, आप जो बैलेंस है आपको पता है कि बैलेंस हम लिखते हैं, ठीक है, बैलेंस आप हमेशा से लिखते आ रहे हो, परचेजेस आप लिखते आ रहे हो, डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो, बस क्या करना है कि जिस डेट को सेल होगी वहाँ पर हमें तीन चीज़ें करनी है, वही तीन चीज़ें क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करनी है, सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड करो, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो, लेकिन डेप्रिसिएशन तो यहाँ आता है, तो अब उसे एसेट में कैसे लेके आए, जब रिकॉर्ड करते थे तो क्रेडिट करते थे, अब इसे यहाँ से निकालना है तो उसे दूसरी साइड से निकालेंगे ना, यही तो डेबिट क्रेडिट है, अगर एक में डाला है तो दूसरी साइड से निकालो। सो यहाँ से इस एसेट का सारा डेप्रिसिएशन उठा के यहाँ एसेट अकाउंट में चार्ज कर दो, फिर प्रॉफिट और लॉस लिखो, लॉस है तो यहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट है तो आपका इस साइड आएगा। सो ये एडिशनल एंट्री है, ठीक है, प्रोविजन जो डेप्रिसिएशन में भी ये एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। सो ये जो तीन एंट्रीज हैं, दीज वी आर टू रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ सेल, की एसेट के तीन पॉइंट याद रखने हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड करना है, बाकी पूरा क्वेश्चन आपका एज इट इज चल रहा है। सो बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज आप करेंगे, ठीक है। सो दिस वे वी कैन मेक अकाउंट्स। अब ये हम समझ लेते हैं एक क्वेश्चन से, ठीक है। अब मान लो पलाश ने परचेज की मशीनरी फॉर 6 लाख, कब परचेज की है, 1 जुलाई 2015 को, एंड ही पेड जीएसटी आल्सो, तो जीएसटी की वर्किंग तो यहाँ नहीं होती, जीएसटी तो सेपरेटली एंट्री होती है, तो इसको हम अगर जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं तो रिकॉर्ड कर लेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ दो। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि आपका अमाउंट फिक्स हो गया है, तो ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आता है, तो इसे स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब है डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल का फिक्स हो गया है, तो वो तो स्ट्रेट लाइन में होता है ना, WDV में तो बदलते रहते हैं अमाउंट, तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। इट इज़ सोल्ड ऑन 31 दिसंबर 2018, प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स, एक जब प्रोविजन नहीं बना रहे हैं और एक जब प्रोविजन बना रहे हैं। अब हम प्रोविजन बनाएं या ना बनाएं, देखो हमें क्या करना है, वी आर टू मेक द कैलकुलेशंस फर्स्ट, जब अमाउंट हमारे पास आ गए तो हम जिस मर्जी तरह से उसको रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि हमें ये नहीं दे रखा कि हमारा ईयर एंड कहाँ पर हो रहा है, सो सपोज हम फाइनेंशियल ईयर ही ले रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि 1 अप्रैल को वो शुरू होता है और 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर तक जाते हैं, तो ये जो आपने एसेट बाय की है
कब की है? 1 जुलाई को। तो ये ईयर कौन सा हो गया? 2015-16। सो टाइमलाइन याद रखो, 2015-16 में 1 जुलाई को आपने एसेट बाय की 6 लाख की। नेक्स्ट ईयर होगा 16-17, 15-16 के बाद 16-17 कुछ नहीं किया। 17-18 इसमें सेल हो रही है क्या? अब जब 17-18 कहते हैं ना, इसका मतलब ये 1 अप्रैल 17 को शुरू हुआ और 31 मार्च 18 को ख़त्म हुआ। यहाँ भी नहीं हो रही सेल, तो अब कब सेल हो रही है? 18-19 में, क्योंकि जब ये आपका ईयर 1 अप्रैल 2018 को शुरू होगा तो यहाँ आप 31 दिसंबर को सेल कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे करंट ईयर में ये एसेट कितने मंथ्स रही है? 9 मंथ्स रही है। सो अब हमें पूरी कैलकुलेशन करनी है, सो वी नीड बुक वैल्यू ऑन दिस डेट, क्योंकि हमें इसी ईयर की वर्किंग करनी है ना। हमें रेलेवेंट अकाउंट सिर्फ सेल के बनाने हैं, कहा नहीं है ना कुछ और। अगर कहा होता शुरू से बनाओ तो अब शुरू से बनाते, तो यहाँ पे करना है। सो आपको क्या करना है, इस डेट को बुक वैल्यू सॉल्व करनी है और यहाँ से हमारी वर्किंग आगे चलेगी। सो इसके लिए या तो शॉर्टकट ले लो। शॉर्टकट क्या है कि आपकी डेप्रिसिएशन का रेट है 20% पर एनम। ठीक है, तो आप 15-16 में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, क्योंकि ये जुलाई में आए हमारे पास, इसका मतलब 9 मंथ्स, जुलाई से लेके दिसंबर तक 9 मंथ्स रही है, दैट मीन्स 15% डेप्रिसिएशन। इस ईयर में पूरा डेप्रिसिएशन, इस ईयर में पूरा डेप्रिसिएशन, सो टोटल कितना हो गया? 55% हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। इसका मतलब बुक वैल्यू कितनी बची? अगर हमने किसी एसेट का 55% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो 45% वैल्यू बच रही है ना। दैट मीन्स 1 अप्रैल 2018 को इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 45% ऑफ 6 लाख। ठीक है, सो इसकी बुक वैल्यू 2,70,000 बचती है। अब इसकी सेल हुई 31 दिसंबर को, इस ईयर में 31 दिसंबर को सेल हुई, सो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 6 लाख का 20% फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि आपने 9 मंथ्स यूज़ किया। ठीक है ना, तो कितना आ गया इसका डेप्रिसिएशन? 90,000। ठीक है, सो कितना वैल्यू बच गई? बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, तो जिस डेट को सेल हो रही है उस डेट को इसकी बुक वैल्यू बच रही है 1,80,000। और आप इसको सेल कितने पर कर रहे हो? इट इज सोल्ड ऑन 31 दिसंबर, अमाउंट नहीं है। सो सपोज हमें अमाउंट दे रखा है फॉर 2 लाख रुपीज। ठीक है, 2 लाख पे इसकी सेल कर रहे हो, सो सेलिंग प्राइस हो गया 2 लाख, विच मीन्स यू हैव प्रॉफिट ऑन सेल 20,000। अब अगर आप एसेट अकाउंट बना रहे हो सीधे मशीन अकाउंट, दैट इज़ प्रोविजन इज नॉट मेंटेन, अगर प्रोविजन मेंटेन नहीं हो रहा है तो हमारे एसेट अकाउंट में 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस कितना होगा? इस एसेट का बैलेंस होगा 2,70,000। ठीक है, अब सेल के टाइम पे, दैट इज 31 दिसंबर 2018 को हमें 3 रिकॉर्डिंग करनी है। पहली चीज़ है सेल, तो सेल हो गई 2 लाख पे। दूसरी चीज़ है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने इस पे चार्ज किया 90,000। तीसरी चीज़ है प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, लॉस होता तो क्रेडिट में, अब प्रॉफिट का मतलब यहाँ डेबिट में रिफ्लेक्ट होते हैं, प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होते हैं डेबिट साइड में, और वैसे उनको हम करते हैं क्रेडिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और मशीन अकाउंट 20,000। ठीक है, ये बन गया यहाँ पर, तो ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। नाउ सपोज हम एसेट अकाउंट जो मेंटेन कर रहे हैं, इट इज विद प्रोविजन, तो हमारे अकाउंट्स में क्या होगा? एक हमारे पास मशीन अकाउंट अवेलेबल होगा और एक हमारे पास होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है ना, ये 2 अकाउंट हमारे पास अवेलेबल होंगे। सो अब क्या करेंगे? अब हमारे पास 1 अप्रैल 2018 को एसेट में कितना बैलेंस होगा? अगर हम प्रोविजन मेंटेन कर रहे होते हैं तो एसेट्स आर शोन एट बुक वैल्यू,
तो ये एसेट जो है मशीनरी तो 6 लाख पे आ रही होगी, और डेप्रिसिएशन कितना हो गया होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है डेप्रिसिएशन का टोटल, तो कितना डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर चुके हो? यहाँ देखो 55% डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। सो कॉस्ट का 55% कितना हो गया? 3,30,000। सेम बात है ना, चाहे हम प्रोविजन 330 और एसेट एट कॉस्ट अलग दिखाएं या हम विदाउट प्रोविजन में नेट एसेट 270 पे दिखाएं, बात तो एक ही है। अब रिकॉर्डिंग आ जाती है सेल की, तो सेल के टाइम पर हमें क्या क्या रिकॉर्ड करना है? नंबर वन, ऑन द डेट ऑफ सेल पहली रिकॉर्डिंग है सेल की 2 लाख, दूसरी रिकॉर्डिंग है डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन तो हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ? प्रोविजन में, ठीक है। यहाँ आ गया डेप्रिसिएशन। अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इसका पर्पस होता है कि एसेट को उसकी बुक वैल्यू पे लेके आओ, तो क्या आपकी एसेट बुक वैल्यू पे आ गई? नहीं आई ना। तो प्रोविजन मेथड में हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? टू ब्रिंग द एसेट एट बुक वैल्यू, इसका जितना डेप्रिसिएशन है अब ये सारा आप मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। सो इससे क्या हो गया? आपकी एसेट अब बुक वैल्यू पे आ गई। सो नाउ यू आर टू रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस। अब इसका प्रॉफिट और लॉस कैसे रिकॉर्ड करोगे? ठीक है ना। सो 20,000 का हमारा प्रॉफिट आ रहा था, वो हमने कैलकुलेट किया हुआ था। सो वो हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट मशीन अकाउंट लिख देंगे। सो इस तरह से हमारी वर्किंग होती है विद और विदाउट प्रोविजन। अब एक ही क्वेश्चन है, दो तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। वी विल बी लर्निंग अनदर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सेम क्वेश्चन। जब हम सेम क्वेश्चन करेंगे विद एसेट डिस्पोजल अकाउंट, उसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट के साथ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है? वॉट विल बी योर आंसर इफ द डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन डब्ल्यू डी वी? अगर हम स्ट्रेट लाइन की जगह डब्ल्यू डी वी मैथड लेते तो क्या फर्क पड़ता हमारे क्वेश्चन में? अब ये चीज याद रखो, डब्ल्यू डी वी जो है ये एक कैलकुलेशन का मैथड है, समझ रहे हो? तो इससे हमारी ये कैलकुलेशन चेंज होंगी, यहां पर अमाउंट्स चेंज होंगे, अमाउंट्स बदलेंगे, लेकिन अकाउंटिंग नहीं बदलेगी, अकाउंटिंग यही रहेगी, अमाउंट्स अलग अलग आ जाएंगे। सो आप डब्ल्यू डी वी में कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप इसकी वर्किंग प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से। अब डब्ल्यू डी वी मैथड में क्या होता है कि हमें ये पता होता है कि एट अ गिवन स्टेज अगर 20% डेप्रिसिएशन है तो 80% वैल्यू बच रही है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में अगर 20% डेप्रिसिएशन गया, 80% वैल्यू बची। सेकेंड ईयर में अब आप डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करोगे? शुरू की वैल्यू पे नहीं करोगे, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो इसका 20% आपका डेप्रिसिएशन चला जाएगा, 80% बुक वैल्यू बचेगी। थर्ड ईयर में इसका 20% डेप्रिसिएशन जाएगा और 80% बुक वैल्यू बचेगी। तो हर बार क्या होता है कि हमें बुक वैल्यू ईजी रहती है फॉलो करनी, ठीक है। सो अब हम बुक वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे? बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2018, ये जो ईयर है जिसमें हमें अकाउंट बनाने हैं, इस ईयर की बुक वैल्यू बिगनिंग में कितनी होगी? क्योंकि आपकी एसेट थी 6 लाख की। अब फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया ये हमें पता है टाइमलाइन पर। फर्स्ट ईयर में अगर आपने 15% डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो आपके पास वैल्यू बची है 85%। नेक्स्ट ईयर में आपकी वैल्यू बची है, पूरा 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 80%। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में फिर से 80%, ठीक है। तो ये बुक वैल्यू आएगी आपके पास इस एसेट की। सो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो भी वैल्यू सॉल्व करके आएगी, अब मान लो इसमें वैल्यू आती है हमारी, मतलब अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें 6 लाख, तो फर्स्ट ईयर में 15% डेप्रिसिएशन, 15% इफेक्टिव रेट हो गया ना, 5,10,000। सेकेंड ईयर में 20% ऑफ दिस, सो 1,02,000 डेप्रिसिएशन, सो 4,08,000। नेक्स्ट ईयर में फिर से 20% डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, ठीक है ना,
सो वैल्यू बची 3,26,400। तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारे पास 2,70,000, इसकी जगह क्या आएगा 3,26,400। ठीक है, अब इसका डेप्रिसिएशन इस ईयर का कितना आएगा? नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा 20% फॉर 9 मंथ्स, है ना। तो 3,26,400 इंटू 20% फॉर 9 मंथ्स, ठीक है ना। अब ये सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 48,960। सो डेप्रिसिएशन जो है अब 19 ही आएगा, इसकी जगह कितना आएगा 48,960। ठीक है ना। सो इस तरह से आपके डेप्रिसिएशन चेंज हो गया। सो 48,960 अगर इसका डेप्रिसिएशन है तो इसकी बुक वैल्यू कितनी बची? टू लैख 77,440, और आप इसकी सेल कर रहे हो 2 लैख पे। ठीक है, तो अब आपके पास है लॉस 77,440। तो यहाँ पर आपके सेल प्राइस वही है, डेप्रिसिएशन चेंज हो गया, प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा? लॉस। सो इस तरह से हमारे अकाउंट में वर्किंग जो है अमाउंट्स बदल जाएंगे। यहाँ मशीनरी अकाउंट बनाओगे, डेप्रिसिएशन 6 लाख, सॉरी एसेट की कॉस्ट 6 लाख है, लेकिन अब इसकी जो डेप्रिसिएशन का टोटल है वो 330 नहीं है, WDV में डेप्रिसिएशन का टोटल होगा 90 प्लस 1,02,000 प्लस दिस। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2,73,600। वो लिखोगे इस ईयर का डेप्रिसिएशन डिफरेंट आएगा 48,960, सारा ट्रांसफर करोगे। सो यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन यूजिंग WDV मेथड ऑल्सो। तो थोड़े अकाउंट्स में चेंजेस हो जाएंगे, बट ऑन द होल जो एंट्रीज हैं वो वही रहने वाली हैं। ठीक है ना। सो अकाउंटिंग हम करते हैं या तो विद प्रोविजन या विदाउट प्रोविजन। अगर आप विद प्रोविजन करते हो तो इन दोनों अकाउंट में एंट्री होती हैं, 4 ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती हैं मेजरली। कौन कौन सी रिकॉर्ड होती हैं आपकी, फिर से आप हाईलाइट कर लो। यहाँ पर हमारे जो रिकॉर्डिंग है सेल के टाइम पर, सेल रिकॉर्ड की, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया। अब एसेट को क्योंकि बुक वैल्यू पर लेके आना है तो जो एंटायर डेप्रिसिएशन है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो गया और फिर प्रॉफिट और लॉस आ गया। यहाँ ये जो ट्रांसफ़र वाली एंट्री है ना, ये एक्स्ट्रा है क्योंकि हम सेपरेट अकाउंट बना रहे थे। वेयर एज अगर हम विदाउट प्रोविजन क्वेश्चन करते हैं, सेल रिकॉर्ड की, डेप्रिसिएशन यहीं पर रिकॉर्ड हो गया और प्रॉफिट और लॉस आ गया, तो ये जो डेप्रिसिएशन बाद में लिखना था उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क फॉर दिस। हम इस तरह से इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट, नाउ यू कैन प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। दिस इज अनदर क्वेश्चन। ठीक है, अब दे रखे है अ मशीन इज परचेज्ड ऑन 1st August 2018 फॉर 60,000। फिर आपने अक्टूबर में एक और मशीन खरीद ली 20,000 की। फिर 30th of June को आपने पहली मशीन की सेल कर दी और एक और नई मशीन खरीद ली। डेप्रिसिएशन है 20% ऑन कॉस्ट। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March ईच ईयर। शो मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो तीनों ईयर का आपको अकाउंट बनाना है। ठीक है, सो अब इसमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट पूछ रहे हैं, दैट मीन्स प्रोविजन फॉलो नहीं हो रहा और SLM मेथड कहा जा रहा है। सो आप सिर्फ टाइम लाइन पर ट्रांजेक्शन्स ले लो क्योंकि आपके अकाउंट्स मार्च में क्लोज होते हैं। दैट मीन्स अगर 2018 की ट्रांजेक्शन है तो आपका फर्स्ट ईयर हो गया 2018-19, 1st April से शुरू हुआ, 31st March 19 पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट ईयर जो है 2019-20, ये शुरू हुआ 1st April 2019 को, एंड हुआ 31st March 2020 को। नेक्स्ट ईयर हो गया 2021, जो आपका 1st April 2020 को स्टार्ट हुआ और 31st March 2021 को क्लोज हुआ। सो ट्रांजैक्शंस टाइमलाइन पे लिखो, वर्किंग नोट बनाओ और उसके बाद आप अकाउंटिंग कर लो। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। अब ये 1st August है तो यहाँ इस ईयर के बीच में कहीं 1st August 2018 को 60,000 इसको आपने खरीद लिया।
1 अक्टूबर 2019, अब वो यहाँ आएगा। सो यहाँ कहीं आपने 1 अक्टूबर 2019 को मशीन टू खरीद ली 20,000 की, ठीक है ना, ये मशीन वन है। फिर 30 जून 2020, अब ये किस ईयर में जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये 1 अप्रैल से। तो यहाँ 30 जून 2020 को आपने फर्स्ट मशीन की सेल कर दी, ठीक है, और यू बॉट अनदर मशीन, मशीन थ्री परचेज कर ली आपने 50,000 की। डेप्रिसिएशन का रेट है 20% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है ना, ये है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, सो अब आप इसकी वर्किंग कर सकते हो, M1 M2, यहाँ आप बना लो वर्किंग नोट, और टोटल भी साथ साथ लिखते जा सकते हो, बैलेंस करने में इजी हो जाते हैं, उसके बाद आप मशीन अकाउंट बना सकते हो। सो आई होप यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो वील टेक अप वन मोर कॉम्प्रिहेंसिव सम नेक्स्ट टाइम टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ एसेट, कि सेल की रिकॉर्डिंग कैसे होती है। सो थैंक यू फॉर द डे।